আমি রোজার আজ মুড়ি পেঁয়াজ আর চা হলিক্স हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल। ये वाला पार्ट अलग से जा रहा है, अलग से शूट कर दी हूँ, मतलब अभी शूट कर दी हूँ, क्योंकि एडिट करते टाइम मैंने देखा कि ये वाला ब्लॉग का इंट्रो मैंने शूट नहीं किया, तो या एडजस्ट कर लो। ओके, ब्लॉग देखो, ठीक है? वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? तो पीछे एक बाइक आ रहा है। इससे पहले मैं बोल लूँ, आज की खास बात है, आज मैंने नहीं नहाया। घर आ गया है वापस, बहुत दुख ज्यादा दुख रहा है इधर यार। और मैंने लाया अपने लिए एक, है ना, यूर, है ना, और अच्छे तरीके से लगाएंगे। और देखा, एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें चॉकलेट, चॉकलेट एंड कुकीज, कुकीज अलग अलग फ्लेवर है क्या? नहीं, एक ही फ्लेवर है, लेट ट्राई इट गाइस। एक फ्लेवर नहीं है, दास ना कुकीज का ट्राई करी ना। ऐसा लग रहा है आईब्रो के बाल जो काटे हैं ना, वो नाक में घुस गया। माइक को माइक वाला बेकिंग पाउडर की दौड़ कर रहे बा। ये वाला बिस्किट है, ये वाला, इसके अंदर ये पैकेट है, इसके अंदर ये पैकेट है। वेरी गुड, नहीं आता है। उसने ये पूरा चॉकलेट है, चॉकलेट लग रहा, नहीं पूरा चॉकलेट लग रहा है। ये लुक्स वेरी वेरी टेस्टी। मेरे को अभी तक फ्लेवर नहीं आया, ये अमूल जैसा लग रहा है, बट अमूल का थोड़ा ना घी वाला स्मेल होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये टेस्ट में सेम है, बट वो वाला स्मेल नहीं है, बट इस वो ये वाला ब्लूबेरी का, इट्स टेस्टी, इट्स टेस्टी। अभी ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट नहीं, स्नैक्स कुछ खाऊंगी पीऊंगी और पढ़ने बैठूंगी। डिनर में बना है रोटी पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है आज, मतलब चुंगेश्वरी बनाया आज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और पत्ता गोभी वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो आप लोग जान के भी क्या ही करोगे। रुक खत्म करते हैं गाइस, ये वेलकम बैक टू माय किचन, खत्म करते हैं, बाय बाय। चलो ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट में आज बहुत कुछ है। दिनी पोहा बनाया था, तो पोहा, कल की पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी और चाय। आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही डिलीशियस है, पोहा जो बनाया ना दिनी, इट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया आज का पोहा। पोए, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत टू माई चैनल थी क्लास कर। और कल है मासी की हल्दी मेहंदी संगीत, जो बेंगोली में बोलते हैं अधिवास, ये बेंगोली गाइस, कमेंट डाउन बिलो अधिवास। मामा के घर तो तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई है, मतलब डेकोरेशन ऑलमोस्ट 50% हो गया है, डन। तो शायद से आज हम जाएंगे मासी के घर, मामा दादू के घर बोलते हैं, मामा और मासी दोनों के ही नहीं, दादू के घर, ठीक है। तो आज से हमारी तैयारी शुरू होगी, मतलब सजना संवरना, शैम्पू करूंगी, नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, देन हेना लगाऊंगी। ओके 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 बाय। नहीं, अभी डांस भी करना है, क्योंकि डांस करने के बाद जो गर्मी लगता है, उसके बाद नहाने का मजा ही कुछ अलग है, है ना, है कि नहीं? वेरी गुड, क्या बात है। सॉन्ग तो वैसे भी पहला पुराना वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा था, इस जो नया वाला निकला है वो भी बहुत अच्छा है। इस बार जो नया निकला है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, बट
जो वीडियो है ना वो अभी देख रही हूँ टीवी पर, गाना सुन रहे हैं बट वीडियो अब देख रहे हैं। तो मैंने नहा लिया और अभी मेरे को लगाना है ना। चलो जी चलो, ओके ओके। नहीं यार ओके नहीं, ओके शॉर्ट नहीं, काला नहीं, ये पूरा काला गोबर लग रहा है। गोबर की तरह नहीं लग रहा इसको, ऐसा लग रहा है गोबर को घोल कर लगा रही हूँ। एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। गमछा भी बांधना पड़ेगा, मतलब गमछा, मतलब गमछा ही समझ लो आप। इतना भी क्या हिंदी ट्रांसलेट करना यार। चलो जी खत्म, ये ये ये। अब मेरे को पान धोना पड़ेगा, सो बाद में मिलता है ठीक है। एकदम रिव्यू दे दूंगी, एकदम धो धो कर ठीक है, धोने के बाद, धो धो कर नहीं धोने के बाद, बाय। तो लंच में है करेला चावल और दूध, केला, चीनी और चावल। ओके आई वॉश माई हेयर, और धोते टाइम ना मुझे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, लाइक रफ रफ फील हो रहा था। पिछले बार मैंने जब है ना यूज़ किया, नुपुर वाला यूज़ किया, और ये वाला क्या था आई डोंट नो, नाम भी भूल गई, वो वाला ना बहुत हेल्दी हेल्दी फील हो रहा था। तो देखते हैं सूखने के बाद कैसा लगता है। और मैंने शैम्पू अच्छे तरीके से नहीं, सिर्फ एक बार शैम्पू लगाकर थोड़ा अच्छे तरीके से धोया, ताकि मैं चाहती हूँ मेरा स्कैल्प पूरा क्लीन रहे। और मैंने थोड़ा कंडीशनर भी यूज़ किया है, सो वेरी गुड। देखते हैं, बहुत बड़ा युद्ध हुआ है हमारे घर, मम्मी को लास्ट तक नहीं जाना था, तो दी हो गई गुस्सा बहुत ही ज़्यादा, लाइक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो उसने कहा आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना ना, वो हल्दी पे भी जाएगी और ना वो छाती में भी जाएगी, ऐसा उसने बोला। लास्ट तक मम्मी को क्या करना था, मानना ही था। तो हम जा रहे हैं, और या हम जा रहे हैं अभी। मैं ऐसे कंघी कर रही थी और सोच रही थी ब्लॉग को इधर एंड नहीं करते, कल से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब तो हम नहीं जाने वाले। तो या फाइनली हम जा रहे हैं गाइस, ये। और रही बात है ना कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ब्लैक कलर का था, मतलब ब्लैक करने के लिए कलर तो सही हुआ, बट बहुत ही ज्यादा रफ हो गया, ज्यादा नहीं रफ हो गया। कंडीशनर दिया तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, फिर अभी मैंने वो लगाया क्या बोलते हैं उसको, हाँ सीरम लगाया, तो अभी ठीक है, थोड़ा बाल गिर रहे हैं ज्यादा, आई डोंट नो इस वजह से या पता नहीं क्यों। अभी यूज़ कर सकते हो, आई थिंक मुझे सूट नहीं किया ये वाला है ना। चलो कोई नहीं, शादी तो कट जाएगी। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओ ओवर एक्टिंग ने मेरा बात लगा दी यार, आंखों में घुस गया हाथ, अभी पानी निकल रहा है देखो, बाय। पता नहीं गाइज उस घर को देखकर इतना क्यों खुशी हो रही है, मुंह पर स्माइल आ रही है। तो वही है हमारी मासी के घर, दादू का घर। फिलहाल के रास्ता नहीं दिख रहा, तो बाय। और तैयारी चल रही है, कल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल सुबह आएंगे सारे डेकोरेटर्स और एकदम कंप्लीट करके जाएंगे, और इधर पूरा लाइटिंग होगा। वाह खुशी, मतलब इतनी खुशी। अभी मैं कर रही हूँ एडिटिंग, मामा के घर, सॉरी दादू के घर आने के बाद भी मेरे को शांति नहीं मिली। बाकी सब उधर भाई कर रहे हैं, वहाँ मजे कर रहे हैं, पर मेरे को करना है वीडियो अपलोड 7 बजे, और अभी मैं कर रही हूँ एडिट कर रही हूँ। जिंदगी पर बात हो गई। रुको यार, दी वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, कुछ मिनट्स पे काफ़ी, मतलब बाकी वीडियो के मुकाबले काफ़ी अच्छा व्यूज आया जो अभी कुछ देर पहले अपलोड हुआ। खुशी मिलती है यार बहुत ही ज़्यादा जब ऐसे लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो मेरी मम्मी इधर आराम फरमा रही है, खुश हो रही है।
हाय 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 तो आपको कैसा लग रहा है तीन दिन बाद अब जाने वाले कल हल्दी मेहंदी संगीत परसों शादी परसों विदाई बहुत इमोशनल हूँ मैं विदाई वाले दिन पूछो मत ऐसा होने वाला है बोला पिछले को बोला पिछले ऐसा होने वाला है तो बोला पिछले बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज बहुत ही ज़्यादा ठंड शुरू करो स्टार्ट होगा हल्दी वाला ब्लॉग है ना तो मिलते हैं कल बाय बाय गुड नाइट अब इस हाथ से तो कर नहीं सकते ऐसे वाला तो करते बाय